हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने पेपर में ओवर अटेम्प्ट कर दिया है तो उससे आपका पेपर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे आपका नंबर कटेगा या बढ़ेगा, या उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको हमारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ओवर अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे मतलब पता, लेकिन फ्री में अगर बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको परीक्षा में बोला जा रहा है कि आपको टोटल 10 क्वेश्चन है और उसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन फ्रेंड्स आपने 5 प्रश्नों का उत्तर ना देके आपने 6 या 7 प्रश्न का उत्तर दे दिया, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स ओवर अटेम्प्ट, यानी कि जितना आपको उत्तर लिखने के लिए बोला जा रहा है उससे आपने अधिक लिख लिया है, तो ये हो गया ओवर अटेम्प्ट। अब फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं जो आपके टीचर सब होते हैं, मान लीजिए आपने 10 में से 7 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, तो आपके टीचर्स क्या करेंगे, जो फ्रेंड्स फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो होता है आपका, उसी को यहाँ पे चेक किया जाता है और उसी का आपको मार्क्स दिया जाता है, और बाकी का जो 2 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा जो आपने अटैम्प्ट एक्स्ट्रा किया है। तो शुरुआत से यहाँ पर काउंट किया जाता है, भले ही आपने पहला जो क्वेश्चन है ख़राब किया हो, लास्ट का अच्छा किया हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। जो आपका स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चन रहेगा उसी को यहाँ पे केवल मान्य होगा, बाकी जो 2 एक्स्ट्रा उसको फ्रेंड्स मान्य नहीं होगा, उसको कट कर दिया जाएगा, भले ही आपका यहाँ पे लास्ट का 2 आंसर सही हो या गलत हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स, जो 10 क्वेश्चन थे आपका, ये वाला जो 10 क्वेश्चन जो थे फ्रेंड्स, इसका कोई भी ए और बी पार्ट नहीं था। अब मैं आपको ए और बी पार्ट में समझाऊँगा। मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपका हर एक क्वेश्चन का ए और बी पार्ट है, हर एक क्वेश्चन का फ्रेंड्स मान लीजिए आपका ए और बी पार्ट है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको बोला जा रहा है 10 क्वेश्चन है और सभी का ए और बी पार्ट है, और आपको बोला जा रहा है आपको कोई 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो कुछ छात्र क्या समझते हैं, जैसे कि 1 का ए कर लेंगे और उनको 1 का बी जो है नहीं आता है, 1 का बी नहीं आता, तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, 2 का वो ए या तो बी बना लेते हैं। मान लीजिए उसको 2 का बी भी नहीं आता और उसको 2 का ए आता है, तो क्या समझता है फ्रेंड्स, वो 1 का ए और 2 का ए बना लिया, तो ये फ्रेंड्स एक क्वेश्चन काउंट कर लेता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन काउंट होता है वो 2 होता है, एक क्वेश्चन कभी काउंट नहीं होता है। तो इस हिसाब से जो छात्र या छात्राएँ वो इस तरह प्रकार से काउंट करके यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन बना लेते फ्रेंड्स, लेकिन वो जो 5 क्वेश्चन जो काउंट होता है उनका 5 क्वेश्चन काउंट ना होकर के ज़्यादा काउंट हो जाता। तो आप ऐसा गलती कभी मत करिए, अगर आपका 1 का ए और बी नहीं आता तो आप 5 ही टोटल क्वेश्चन, आपको मान लीजिए आपको कोई भी 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है फ्रेंड्स, चाहे आपको ए आता हो चाहे बी नहीं आता हो, तो अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा ए और बी पार्ट्स बनाएंगे, तो जितना नंबर आप क्वेश्चन को छुएंगे उतना वहाँ पर काउंट हो जाता है और पहला 5 आपका यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर 5 बोला है, तो वहाँ पर आपका जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए 12 सवाल पूछा जाएगा, आपको बोला जाए कि नहीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो अगर आप 7 कर लोगे तो पहला आपका यहाँ पे 6 ही किया जाएगा सिलेक्ट। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स मैंने बता दिया आप सभी को, आपका पहला 6 ही सिलेक्ट किया जाएगा, जितना आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है आपको उतना ही उत्तर देना है। और फ्रेंड्स इससे यही है कि आपका जो टॉप पहला जो 6 है वही आपका चेक किया जाएगा, अगर आपका टोटल 12 सवाल पूछा जा रहा है, तो इस हिसाब से आप अपना पेपर चेक कर सकते हैं। इसमें नंबर काटा नहीं जाता फ्रेंड्स, ना ही इसका बढ़ाया जाता है, कभी कभी टीचर से धोखा हो जाता है तो फ्रेंड्स आपका मार्क्स बढ़ जाता है। बस ये सब था आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।